Hey guys, it's me and you are watching me on the official YouTube channel Psycho Tech. And guys, channel pe new ho to channel subscribe kar do, video ko like kar do aur ho sake to video ko share kar do. To chalo yaar video start karte hain 10 second ke intro ke baad. तो गाइस आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप लाइव वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में बिना किसी एप्लीकेशन के. तो गाइस बने रहिए. तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन है थीम्स एमआई थीम्स से इंस्टॉल आता है वह हमारे मोबाइल फोन में, इसे आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अपडेट कर लेना है. अगर आपने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है तो इसे स्किप कर दो आप. तो चलो गाइस थीम्स को पहले ओपन करते हैं. देन गाइस इसका कुछ इंटरफेस ऐसा दिखेगा. तो आपको क्या करना है, आपको ये नीचे माई पेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है. ठीक. एंड देन गाइस आपको क्या करना है, वॉलपेपर पे सिलेक्ट करो आप. और ये जो आपको एक नंबर है माई वो लाइव वॉलपेपर्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो. एंड गाइस आप जो यहाँ पे प्लस का आइकन देख रहे हो इस पर टैप करो. फिर यहाँ से गाइस आपको वो वीडियो चूज करनी है. यहाँ पे आप वीडियो हो गई या जी आई एफ जो आप अपने लगा सकते हो. तो मैं वीडियो फाइल एक चूज कर लेता हूँ गैलरी से जा करके. तो गाइस मैंने अपना लाइव वॉलपेपर एक वीडियो सिलेक्ट कर लिया है, ये रहा ये वीडियो. एंड इसे अप्लाई करते हैं. अप्लाई करना है इसमें आप की मर्जी, आप इसे लॉक स्क्रीन पे लगाना चाहते हो या होम स्क्रीन पे. तो मैं इसे लॉक स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा. एंड ये थोड़ा टाइम लेगा इसे कस्टम करने के लिए. एंड देन पे एक ऑप्शन आएगी. तो गाइस आप देख सकते हैं नीचे आ गया कॉन्फिगर वीडियो विदाउट साउंड सक्सेसफुली. एंड अब लॉक करके देखते हैं एंड होम स्क्रीन पे लगा देते हैं. तो गाइस आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा. तो वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके अपना ओपिनियन दो यार, और शेयर करना मत भूलना. एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी. देखने के लिए धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.